Hey, what's up, guys? This is Idris, and अभी हम लोग आ चुके हैं नैनीताल में और मैं एक नैनीताल के पास की जगह पे रुका हुआ हूँ जिसका नाम है भीमताल और यहाँ पे मैं एक होटल में रुका हुआ हूँ जो होटल और रेस्टोरेंट है कम्प्लीटली वेज रेस्टोरेंट है। तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो हो जाए और इसमें मैं सारी चीजें आप लोगों को बता देने वाला हूँ बिकॉज काफी अच्छी फैसिलिटीज मुझे लगी और मैंने सोचा एक मुझे इसका वीडियो बनाना चाहिए। तो ये देख सकते हो यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, अब आपका अगर गेस्ट हाउस करके है ये भीमताल में तो आप वहाँ पे देख सकते हो। एंड अभी हम लोग थोड़ा सा अंकल से बात करते हैं चल के और पता करते हैं कि क्या चार्जेस वगैरह रहते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज रहती हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग चलते हैं। देखो काफी अच्छा लुक भी मिल जाता है आपको, लाइक वुडन लुक में पूरा मिलता है जो ये जो पूरा गेस्ट हाउस है वैसे तो लिखा हुआ है बट आई विल कॉल इट होटल। ये आपको अंकल मिल जाते हैं तो अंकल से हम लोग थोड़ी बात करते हैं। भैया चलिए ठीक है, आपको भैया मिल जाते हैं तो आप हम लोग डालना है। हाँ हाँ ठीक है, हाँ तो आपको भैया मिल जाते हैं यहाँ पे, इनसे हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि किस तरीके के रूम्स वगैरह में क्या क्या फैसिलिटीज मिल जाती है। तो आपके पास कितने कितने मतलब जो जैसे पर्सन वाइज जो रूम होता है वो कितने कितने पर्सन के रूम आपके पास रहते हैं? भैया हमारे वहाँ से 1500 से स्टार्ट हो जाते हैं रूम, 3500 तक जाते हैं। जी जी, मतलब मैं उस तरीके से पूछ रहा हूँ जैसे कितने एडल्ट का मतलब रहता है कि कितने कितने बेड वाइज रूम है आपके, डबल बेड ट्रिपल बेड टाइप से? हमारे वहाँ 6 रूम डबल बेड के हैं जी और 3 रूम ट्रिपल बेड के हैं और 2 रूम डबल बेड के। हाँ जी, अच्छा अच्छा, तो आपको वो मिल जाते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। एंड थोड़ा सा अभी रूम आप दिखा दीजिएगा और बाकी क्या क्या फैसिलिटीज मिल जाती हैं आप पहले ये बता दीजिए। आपको रेस्टोरेंट मिल जाता है? हाँ, कम्प्लीटली वेज रेस्टोरेंट है ना, लाइक आपको प्योर वेज, अंडा वगैरह कुछ भी नहीं मिलता? हाँ, तो आपको अंडा वगैरह नहीं मिलता तो वीगन्स के लिए तो बहुत अच्छा है बिकॉज मैं अंडा वगैरह नहीं खाता। तो अगर आप मेरी तरह हो तो मेरा तो पर्सनल ओपिनियन रहेगा कि आप आ सकते हो यहाँ, ये अंकल है ये भी आपको काफी हेल्प करेंगे, यहीं पे मिलेंगे आपको। ठीक है, तो काफी अच्छा इन लोग का व्यवहार लगा और अब चलो हम लोग एक बार रूम देख लेते हैं किस तरीके का लुक मिलता है। ठीक है, तो अंकल आप दिखा दीजिए भैया। चलो ठीक है, वीडियो में आ जाता है थोड़ा फन हो जाएगा। चलिए चलो अभी हम लोग रूम देख सकते हैं चल के, तब तक आप बाहर का देख सकते हो जो लुक है। चलिए आप रूम दिखा दीजिए चल के, चल आइए चलिए। अब भैया के साथ हम लोग जा रहे हैं रूम देखते हैं चल के। ठीक है, ये रुके हुए हैं अंकल। अच्छा अच्छा, तो ये जो रूम है मैं थोड़ा सा लाइट को बढ़ाता हूँ एंड बाकी चीजें भी करता हूँ, रुक जाओ। अब थोड़ा सा लुक जो है वो अच्छा आएगा, थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट करता हूँ। अब आप देख सकते हो कुछ इस तरीके के आपको रूम की फैसिलिटीज मिल जाती हैं, लाइक काफी अच्छा लुक है एंड वुडन लुक में मिलता है तो ये मुझे थोड़ा सा ज्यादा पसंद आया था एंड काफी अच्छा रेस्टोरेंट और ये होटल है और मुझे काफी अच्छा लगा। एक बार बाथरूम भी दिखा दीजिए तो थोड़ा सा बेटर आइडिया हो जाएगा लोगों को। लाइक आप देख सकते हो बाथरूम भी काफी क्लीन टाइप के मुझे लगे, देख सकते हो आप इस तरीके का लुक आपको मिलता है। हाँ, तो ये वाला लुक आपका रहेगा बाथरूम का। ठीक है, काफी अच्छा है जी। तो आप सभी ने देख लिया होगा कितना सही रूम है, भैया ने हम लोगों को रूम दिखा दिया और इसी तरीके के आपको डबल और ट्रिपल बेड भी मिल जाएंगे रूम में। ठीक है, तो आपके जो चार्जेस रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं तो अभी सीजन के हिसाब से। अच्छा, तो हम इसको कॉल करेंगे तो उस टाइम। अच्छा अच्छा, तो आपको जो भैया का नंबर है और मतलब होटल का जो नंबर है वो भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वो सब आप देख सकते हो। एंड मेरे अकॉर्डिंग अगर आप नैनीताल में रुकना चाहते हो तो नैनीताल का चार्जेस जो है वो काफी हाई रहते हैं, तो इंस्टेड आप क्या कर सकते हो आप भीमताल में रुक सकते हो, वो ज्यादा बेटर रहता है एंड उसमें आपको देखो काफी पैसा भी बच जाएगा एंड ऑल्सो ज्यादा दूरी नहीं पड़ती है तो आपका आने जाने का खर्चा काफी कम हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो प्रेफरेंस रहेगा कि आप यहाँ पे रुक सकते हो, थोड़ा सा मैं बाकी होटल की जो मतलब रेस्टोरेंट की फैसिलिटीज हैं वो भी एक बार आपको लुक करा देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो लाइक इस तरीके का पूरा रेस्टोरेंट आपको ऊपर साइड मिल जाता है और यहाँ पे आपको जो चेक इन एंड चेक आउट टाइम है वो भी लिखा हुआ है, तो ये जो चेक इन टाइम इस पे लिखा हुआ है वो 12 बजे लिखा है। लाइक आप देख सकते हो, रुको मैं फोकस करता हूँ, ये देखो तो यहाँ पे चेक इन टाइम लिखा हुआ है 12 बजे और चेकआउट टाइम है 11 बजे। ठीक है, तो 11 AM पे चेकआउट होता है, फिर उसके बाद एक घंटे ये लोग सफाई वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर 12 AM पे आप दोबारा 12 PM पे आप दोबारा से चेक इन कर सकते हो, तो काफी अच्छा लगा मुझे एंड आप चाहो तो यहाँ पे आ सकते हो। ठीक है, तो यही था पूरा वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, सी ऑल गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।